फ्रेंड्स स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल क्रिकुल एंड प्रिडिक्शन में। गाइस आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं वेस्ट इंडीज वर्सेस बांग्लादेश सेकेंड T20I मुकाबला खेला जाएगा। आप लोगों को मालूम है गाइस पहला T20I मुकाबला यहां पे बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया था, ठीक है। सेकेंड T20I मुकाबला में क्या कुछ हो सकता है, इसमें भी क्या बारिश हो सकती है, आपको सब कुछ वीडियो में मालूम चलेगा। तो बस आपको एक काम करना, वीडियो को पहले लाइक कर देना, नहीं तो आप वीडियो देखते देखते कहीं वीडियो में खो ना जाना, ठीक है। बाकी चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार इस आवाज़ को सुन रहे हो तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम लोग चलते हैं यहाँ पे नोट पे, ठीक है गाइस। यहाँ पे देखिए सेकेंड T20I मुकाबला 3 जुलाई को यहाँ पे 11 बजे भारत अनुसार अपने इंडियन टाइम अनुसार खेला जाएगा, लेकिन ये मुकाबला गाइस वेस्ट इंडीज में यहाँ पे खेला जाएगा आप लोगों को 1 या 1.5 बजे के बीच में। तो उस टाइम पे आप लोग यहाँ का वेदर पहले देख लो, देखो बारिश आने के 50-50 चांसेस आप मान सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो सावर भी दिखा रहा है, सन भी दिखा रहा है, मतलब बारिश आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है, लेकिन हो सकता है ये मैच आप लोगों को कम्प्लीटली होता हुआ दिखे। भले हो सकता है ओवर रेड्यूस हो, कम ओवर का हो सकता है, 15 ओवर का हो सकते हैं मैच या 10 ओवर का हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि मैच आप लोगों को ये देखा कम्प्लीट हो सकता है, ठीक है गाइस। बात करते हैं वेन्यू के, वेंडर्स पार्क रोसमैक डोमिका वेस्ट इंडीज में ये मुकाबला खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट में आप लोगों को गाइस बता दूं, देखिए मेरे ख्याल से गाइस ये स्पिनर फ्रेंडली विकेट होनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी देखिए पिछले 8 साल से यहाँ पे कोई भी इंटरनेशनल मुकाबला खेला नहीं गया है। बट ऐसा करता हूँ मैं आप लोगों को पिच की फोटो दिखाता हूँ। दोस्तों आप लोग देख सकते हो मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि पिच स्पिनर फ्रेंडली हो सकती है। यहाँ पे आप लोग अगर पिच को ध्यान से देखोगे, देखो मैं जूम करता हूँ तो पिच में आप लोग ये पाओगे कि ग्रास तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी आप लोगों ने यहाँ पे आयरलैंड और इंडिया का जब मुकाबला हो रहा था तो आप लोग देखते थे पिच पे बहुत सारी ग्रास थी, लेकिन यहाँ पे ग्रास बिल्कुल भी नहीं है। और ज़रा जूम करूँ तो आप लोग देखोगे पिच में हल्की हल्की क्रैक भी है। तो ऐसे में होता ये है कि जो स्पिन बॉलर होते हैं ना, अगर क्रैक पर बॉल पड़ती है तो बहुत तेज़ यहाँ पर टर्न होकर अंदर की तरफ या बाहर की तरफ गेंद निकलती है। तो इस वजह हो सकता है गाइस मुझे लगता है यहां पे आपको स्पिनर पेसर के कंपेयर में अच्छा करते हुए दिख जाएंगे। वैसे भी देखिए 8 साल बाद मुकाबला हो रहा है तो कुछ कंफर्म यहां पे कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। बात करते हैं गाइस टोटल देखिए 13 हेड टू हेड के मुकाबले खेले जा चुके हैं इन दोनों टीमों के बीच में, जहां वेस्ट इंडीज की टीम ने 7, बांग्लादेश की टीम ने वहीं 5 मुकाबला जीता है और 1 मुकाबला नो रिजल्ट रहा था, ठीक है। यहां पे आप ये मान सकते हो कि 14 मुकाबला हो चुके हैं, ठीक है, और 2 मुकाबला यहाँ पे देखिए मैं नो रिजल्ट लिख देता हूँ, क्योंकि जो पिछला मुकाबला भी था वो भी नो रिजल्ट ही था। आप लोगों को यहाँ से अगर मैं दिखाऊँ स्कोर कार्ड तो ये देखिए 16 ओवर पर दोनों तरफ से मैच खेला जाने वाला था, लेकिन हुआ ये कि 13 ओवर में फिर से बारिश आ गई और ये मैच मतलब रद्द कर दिया गया। यहाँ पे सिर्फ मतलब बांग्लादेश की टीम ने ही बैटिंग किया था। वहीं गाइस आप लोग यहां पे ये भी ध्यान दो कि देखिए मात्र 13 ओवर में 105 रन बना के बांग्लादेश ने अपने 8 विकेट खो दिए थे। तो इससे आप लोग ये भी अंदाजा लगा सकते हो कि स्पिनर या पेसर कोई भी बॉलर आप लोगों को अच्छा करते हुए दिख सकते हैं। टोटल इस ग्राउंड पर T20I मुकाबले की बात करते हैं तो यहाँ पे से देखिए 2 T20I मुकाबला खेले जा चुके हैं। बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 1 और बैटिंग सेकेंड करने वाली टीम ने भी 1 ही मुकाबला जीता है, पिछले मुकाबले को छोड़ के मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो मुकाबला हुआ नहीं था तो उसका रिकॉर्ड रखना मतलब थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है मुझे। एवरेज स्कोर की बात करते हैं फर्स्ट इनिंग की तो 148 है, वही हाईएस्ट स्कोर 165 रन जो कि वेस्ट इंडीज़ की टीम ने ही बनाया था, और लोवेस्ट स्कोर 126 रन यहाँ पे न्यूजीलैंड की टीम बनाकर ऑल आउट हो गई थी। और ये मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये मैच कब खेला गया था। सबसे पहले स्कोरिंग पैटर्न पर हम लोग यहाँ से नजर डाल, देखिए स्कोरिंग पैटर्न को हम लोग देखते हैं 150 से कम एक बार स्कोर बना है, 150 से 170 के बीच में भी 1 ही बार स्कोर बना है, तो 2 ही मैच हुआ है, 2 बार यहाँ पे बना है, बाकी 170 से 190 के बीच नहीं बना, 190 से ज़्यादा भी कभी स्कोर यहाँ पे नहीं बनाया गया। हाँ एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूँगा, इस टेलीग्राम चैनल आप लोगों को ज्वाइन करना होगा। किस तरह से ज्वाइन करना होगा गाइज, अगर आप मतलब मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप लोग तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में फर्स्ट लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप लोग टेलीग्राम पर आ जाना गाइज। टेलीग्राम पर आना तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइबर मत देखना, मैं आप लोगों को हर वीडियो में कहता हूँ। जब बिग बैश लीग चल रहा था तो ठंडी में स्ट्राइक आ गया था मेरे साथ साथ यार, लगभग 90% फैंटेसी यूट्यूबर का यहाँ पर चैनल डिलीट कर दिया गया था, प्लस मैंने IPL भी कवर नहीं किया था, इस वजह से आप लोगों को यहां पे सब्सक्राइबर कम दिख रहे होंगे। पर कोई नहीं गाइस, आप लोग प्लीज सपोर्ट करना, हम लोग फिर से यहां पे अपने जैसे कि 1 लाख मेरा ऑलमोस्ट पहले सब्सक्राइबर थे तो हम लोग फिर से यहां पे कंप्लीट कर लिया जाएगा, आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लो। जुड़ने के लिए Cricket2580 आप लोग सर्च कर लेना, अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च का बटन आता है, आप लोग इजिली यहां पर ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है गाइस। ज्यादा आप लोगों को कुछ भी यहां पर तामझाम नहीं करने की जरूरत है। यहां पर गाइस जो मतलब पिछले 8 सालों में कोई मुकाबला खेला नहीं गया है, 2014 में मुकाबला खेला गया था, तो मैं आप लोगों को उसका मतलब थोड़ा सा डाटा देता हूँ। यहाँ पे देखिए 6 जुलाई 2014 को एक मुकाबला खेला गया था वेस्ट इंडीज और
न्यूजीलैंड की टीम के बीच में। ये हुआ यह था कि वेस्ट इंडीज़ की टीम ने 165 रन 6 विकेट के खोकर बनाया था, वहीं न्यूजीलैंड की टीम 126 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। यहाँ पे वही लोएस्ट स्कोर भी है, ठीक है, दो ही मुकाबला खेला गया तो 126 यहाँ बनाकर ऑल आउट हो गई थी। इसमें हुआ यह था कि 39 रन से यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ की टीम ने यह मुकाबला जीत लिया था। वहीं सेकेंड मुकाबला एक और इसी ग्राउंड पे खेला गया था 5 जुलाई 2014 को, उसमें यह हुआ था कि न्यूजीलैंड की टीम ने 12 रनों से ये मुकाबला जीत लिया था। डकलूस मेथड लगा था, मतलब हो सकता है उस मैच में भी आज से आठ साल पहले बारिश आई होगी, जहां न्यूजीलैंड की टीम ने 132 रन 8 विकेट खोकर बनाए थे, वहीं यहां पे वेस्ट इंडीज़ की टीम 117 रन ही बना पाई थी। बात करते हैं गाइस यहां से, देखिए बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ का जो मैच चल रहा है, इसमें बांग्लादेश की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। तो पिछले मैच में हम लोगों ने देखा मुनीम शहरयार के साथ यहां पे अनामुल हक ओपनिंग करने आए थे। यहाँ पे गाइस देखिए कोई मतलब खास रिकॉर्ड नहीं है, अगर दोनों ओपनर्स की बात करें तो बहुत ही खास कोई रिकॉर्ड नहीं है अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में, ऐसी कुछ पारी इन्होंने खेली नहीं है। उसके बाद वन डाउन आप लोगों को शाकिब अल हसन खेलते हुए दिख जाएंगे, इनके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। इनके बारे में ज़्यादा बताना मतलब यही बात हुई कि सूरज को रोशनी दिखाने वाली काम हो जाएगी, मतलब वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर हैं, बैटिंग बॉलिंग आप लोगों को कहीं से भी ये पॉइंट दे सकते हैं। टू डाउन लिटिन दास खेलते हुए दिख जाएंगे। लिटिन दास का गाइस मैं बता दूँ पिछला एक साल बहुत ही अच्छा गया, चाहे वो टेस्ट फॉर्मेट हो, ओडीआई फॉर्मेट हो या टी20 फॉर्मेट हो, हर फॉर्मेट में इन्होंने अपना मतलब क्रिकेट में अपना दबदबा बनाने की पूरी कोशिश की है और बहुत ही अच्छा इनका करियर होप कि आने वाले सालों में भी अच्छा जाए। उसके बाद टीम के कैप्टन मोहम्मदुल्ला यहाँ पे टू डाउन खेलते हुए दिख जाएंगे। पिछले मैच में कुछ खास नहीं किया, मात्र 8 रनों का स्कोर किया था। आफिफ हुसैन की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड बैटिंग करते प्लस राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं। पिछले मैच में खाता तक नहीं खुला था और बांग्लादेश की बॉलिंग आई नहीं थी, नहीं तो हो सकता है 1 से 2 ओवर बॉलिंग भी आप लोगों को करके दे सकते हैं। नूरुल हसन की बात करते हैं, मात्र 25 रन इन्होंने किया था और मात्र क्या गाइस अपने टीम में शाकिब अल हसन के बाद सबसे हाईएस्ट स्कोरर ये इन्हीं के बैट से निकले थे 25 रन का। उसके बाद मेहदी हसन की बात करते हैं तो यहाँ पे राइट हैंड बैटिंग करते प्लस राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते 1 रन का स्कोर ये कर पाए थे। नासूम अहमद के बैट से 7 रन निकला था, बाकी ये लोग बॉलर हैं। शरफुल इस्लाम का खाता नहीं खुला था, मुस्तफिजुर रहमान की बैटिंग नहीं आई थी। गाइस 16 ओवर के मैच में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे से फिर से मैं आप लोगों को अगर ले चलूँ डेटा पे तो 16 ओवर के मैच में आप 13 ही ओवर में अभी देखिए 3 ओवर बाकी भी था तो 105 रन बनाकर 8 विकेट बांग्लादेश की टीम खो दी थी। बांग्लादेश की टीम गाइस बहुत कमजोर टीम मत समझना आप लोग, ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि वेस्ट इंडीज़ की आज की करंट टीम बहुत ज़्यादा मजबूत है, फिर भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 8 विकेट बांग्लादेश की टीम यहाँ पे खो दी थी। तो मैं बार बार कह रहा हूँ हो सकता है इस मैच में भी कुछ ऐसा ही आप लोगों को स्कोर कार्ड देखने को मिल सकता है, तो आप लोग अपने ध्यान में रखकर इस तरह से टीम क्रिएट करना। बात कर लेते हैं वेस्ट इंडीज़ की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। गाइस मैं बता दूं गली क्रिकेट में ना अगर कोई बैट्समैन बैटिंग करके अगर भाग जाता था तो हम लोग बहुत गुस्सा होते थे, लेकिन यहाँ पे देखिए वो इंटरनेशनल क्रिकेट है, बांग्लादेश की टीम ने बैटिंग किया, यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ की टीम की बैटिंग नहीं आई, सिर्फ बॉलिंग करके रह गए, बट कोई नहीं यार यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट है, ये सब नहीं चलता। अपने गली क्रिकेट में मज़ा आता था ऐसे रूल में। काइल मेयर्स के साथ ब्रैंडन किंग यहाँ पे ओपनिंग करते हुए दिख जाएंगे। काइल मेयर्स के बारे में आप लोगों को बता दूँ बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम हो सकता है 1 से 2 ओवर लेकर आ जाए, ज़रूरी नहीं है कि 4 ओवर फेंकें, लेकिन 1 से 2 ओवर ये आप लोगों को फेंक सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ब्रैंडन किंग आएंगे। देखिए ब्रैंडन किंग गाइस इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक कुछ खास नहीं किए हैं, लेकिन CPL 2019 में यहाँ पे टॉप स्कोरर भी रह चुके हैं। वही CPL गाइस जहाँ बड़े बड़े नाम क्रिस गेल, आंद्रे रसल, सुनील नारायण जैसे नाम खेलते हैं वहाँ पे ये टॉप स्कोरर रह चुके हैं। उसके बाद समारा ब्रुक्स यहाँ पे खेलते हुए दिख जाएंगे। इनका भी कुछ अभी खास परफॉर्मेंस नहीं आया इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन प्लेयर में टैलेंट है। देखिए वेस्ट इंडीज़ के सभी प्लेयर टैलेंटेड होते हैं गाइस, बैटिंग से बॉलिंग तक सभी ऑलराउंडर ही होते हैं। उसके बाद टू डाउन यहाँ पे निकोलस पूरन जो कि टीम की कैप्टेंसी भी कर रहे हैं और बहुत ही हार्ड हिटिंग करते हैं, लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं। रोमन पॉवेल यहाँ पे 5 नंबर पे आप लोगों को खेलते हुए दिख जाएंगे। राइट हैंड बैटिंग करते हैं, टीम के वाइस कैप्टन हैं, कंसिस्टेंट स्कोर करते हैं, कंसिस्टेंट हिटिंग करते हैं। अभी पिछला सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ खेला जा रहा था, वहाँ पे मतलब अच्छा खासा परफॉर्मेंस इनके बैट से आया था। पिछला सीरीज से मतलब ये है कि पिछले साल सीरीज खेला जा रहा था, ठीक है। डिवॉन थॉर्नमेस की बात करते हैं, बैटिंग आई नहीं थी, राइट हैंड बैटिंग करते हैं। बाकी इन लोगों का रिकॉर्ड मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया है, अगर आप लोग इस वीडियो में भी दिखा दूंगा, आप लोग अगर देखना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। रोमारियो शेफर्ड ने पिछले मैच में 3 विकेट निकाला था, वही ओडन स्मिथ ने 1 विकेट, ओबेड मोकॉय ने भी 1 विकेट, अकील हुसैन के भी 1 विकेट थे, हाइडनवाल जूनियर ने 2 विकेट निकाला था। बाकी यहाँ पे ओबेड मोकॉय के बारे में बता दूँ गाइस, हेड टू हेड में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है, 18 मैच में देखिए 29 विकेट है, ये पिछले 21 और 22 साल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छे प्लेयर हैं यहाँ पे, देखिए सभी बॉलर यहाँ पे देखिए विकेट निकाले थे, तो अभी तो यहाँ से सभी को इम्पोर्टेंट हम लोग मान सकते हैं।
बॉलिंग इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, क्योंकि 16 ओवर का मैच हुआ था उसमें से भी किस किस बॉलर ने यहाँ पे बॉलिंग किया था। अकील हुसैन ने 3 ओवर, रोमारियो शेफर्ड के 3 ओवर, ओबेड मोकाई और ओडेन स्मिथ ने 2 2 ओवर, वही हेडन वॉल्स ने भी 3 ओवर किया था। बाकी यहाँ से देखिए, काइल मेयर्स को यहाँ पे बॉलिंग नहीं मिली थी, काइल मेयर्स को बॉलिंग नहीं मिली थी। फिर रोमन पावल ये भी बॉलिंग कर सकते, इनको बॉलिंग नहीं मिली थी। तो देखिए बॉलिंग ऑप्शन बहुत सारा है इन लोगों में है, तो कुछ भी यहाँ से अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है। बाकी यहाँ से आप ओवरऑल प्लेयर के जितने यहाँ पे इन्होंने T20 मैच खेले, मैंने सबका रिकॉर्ड यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों को पिछली वीडियो में दिखाया है, आप लोग उस वीडियो को देख लेना, या तो फिर यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो अब चलते हैं हम लोग अपने ड्रीम इलेवन टीम में और देखते हैं इस मैच के लिए हमारी क्या टीम बनकर रेडी हो रही है। गाइस सबसे पहले बात करते हैं विकेट कीपर सेक्शन से। तो देखिए 5 विकेट कीपर पिछला मैच खेले थे, लेकिन अगर मैं इंपॉर्टेंट में बात करूं तो यहां से आप लोगों के लिए निकोलस पुरन और लिटन दास इंपॉर्टेंट में दिख रहे हैं। अनिमुल हक ओपन करने आए थे, लेकिन आज तक मतलब कुछ ऐसी इनिंग नहीं खेले हैं जिनसे हम लोग इनको अपनी टीम में ले सकें। ठीक है, फिलहाल के लिए मेरे टीम में निकोलस पुरन और लिटन दास ही जगह बना रहे हैं। बात करते हैं बैटिंग सेक्शन से, काइल मेयर्स ब्रैंडन किंग और आफिफ हुसैन मेरी टीम में। ऑप्शन की बात करें, समारा ब्रुक जो कि 1 डाउन पिछले मैच में खेले थे, आप इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, या फिर रोमन पावल को भी आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। हीटिंग करने की एबिलिटी अच्छी है और हो सकता है इस मैच में अगर 20 ओवर का मैच खेला जाता है तो 1 से 2 ओवर बॉलिंग कर सकते हैं, अगर उसमें हमारे लिए विकेट निकाल लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए मेरी टीम में यहाँ पे आफिफ हुसैन जगह बना रहे हैं। आफिफ हुसैन का क्या है इसकी पार्ट टाइम, हो सकता है 1 से 2 ओवर यहाँ पे बॉलिंग लेके आ सकते हैं, और लेकिन मैं यहाँ पे रोमन पॉल के बारे में कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ कि ये बॉलिंग करेंगे कि नहीं करेंगे। तो फिलहाल के लिए आसिफ हुसैन इसी वजह से मेरी टीम में है। ऑलराउंडर सेक्शन से बात करते हैं, शाकिब अल हसन यहाँ पे कंफर्म पिक में शामिल है, रोमारियो शेफर्ड भी कंफर्म में रहेंगे, ओडेन स्पिथ भी कंफर्म में रहेंगे। मोहम्मदुल्ला की बात करते हैं, देखिए पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं, टीम के कैप्टन है तो अगर टीम को जरूरत पड़ती है बॉलिंग की तो बॉलिंग लेकर आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं कुछ कंफर्म नहीं कर सकता हूँ इनके बॉलिंग के बारे में कि बॉलिंग करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन जो मैंने 3 ऑलराउंडर लिए हैं उनका यहाँ पे बॉलिंग करना निश्चित है, जिसमें से ओडन स्मिथ और रोमारियो शेफर्ड हो सकता है डेथ में भी आए। शाकिब अल हसन को तो लेना वैसे भी जरूरी है क्योंकि 1 डाउन खेलेंगे प्लस 4 ओवर कोटे के तो फेंकने ही वाले हैं, तो इस वजह से शाकिब को छोड़ना तो रिस्क हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए इन 3 ऑलराउंडर में किसी को भी छोड़ना मूर्खता वाला काम होगा। बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन से, तो ओबेड मोकाई, मुस्तफिजुर रहमान, अकील हुसैन मेरे टीम में। मुस्तफिजुर रहमान अपनी टीम से डेथ में आएंगे, अगर बांग्लादेश की टीम फर्स्ट बैटिंग करेगी तो डेथ में ये आएंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट बैटिंग करे सेकंड बैटिंग करे दोनों तरफ से मुझे लग रहा है टोटल मिलाकर 14 से 15 विकेट यार गिरने वाले हैं। 14 से 15 विकेट गिरने का मतलब बॉलर आप लोगों को अच्छा खासा करके दे सकते हैं। इस वजह से मैं मतलब जो अपने अपने टीम से मेन बॉलर हैं मैं अपनी टीम में उनको ट्राई करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बाकी ऑप्शन के तौर पर हेडन वॉल्स है, नासूम अहमद आप लोग चाहो तो इनको ट्राई कर सकते हो, यहाँ पे एस इस्लाम का ऑप्शन आप लोग इनको भी ट्राई कर सकते हो। बाकी ये लोग ग्रैंड लीग वाले ही पिक मान सकते हो। यहाँ से जो मुझे सेफ में लग रहे हैं वो यही तीनों। ठीक है, कैप्टन वाइज कैप्टन की बात करते हैं, लोग यहाँ पे शाकिब अल हसन को गाइज बनाएंगे और शाकिब अल हसन को आप भी बनाइए, यहाँ से इनको कैप्टनसी देना ही सबसे सही बात है क्योंकि 1 डाउन खेलेंगे प्लस अपने कोटे के 4 ओवर फेंकने ही वाले हैं। ठीक है, वाइस कैप्टनसी के तौर पे लोग यहाँ पे देखिए रोमारियो शेफर्ड के साथ जा रहे हैं, पिछले मैच में 3 विकेट का परफॉर्मेंस देख के इनके साथ जा रहे हैं। फिलहाल के लिए देखिए मैं यहाँ से निकोलस पुरन के साथ जा रहा हूँ, हो सकता है मैं काइल मेयर्स के साथ भी जा सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मेरे वाइस कैप्टन निकोलस पुरन है। अगर इस टीम में कुछ भी चेंजेस होता है तो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, आप लोगों को मेरे टेलीग्राम के चैनल पर मालूम चलेगा। फिलहाल देखिए टीम का प्रीव्यू कुछ इस प्रकार का देखने को मिल रहा है, जहाँ की मेरे कैप्टन शाकिब अल हसन है, वहीं वाइस कैप्टन के तौर पर मैं निकोलस पुरन के साथ गया हूँ। तो होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी देखिए टेलीग्राम चैनल से यार जुड़ना बिल्कुल मत भूलना, आप लोग यहाँ पे जुड़ जाइएगा तो आप लोगों को प्रॉफिट होगा, लॉस देखिए लॉस भी हो सकता है गाइस, कोई आपको फैंटेसी में 100% नहीं विनिंग करा सकता, लेकिन मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ और टीम प्रोवाइड करा सकूँ। तो इस वजह से बोल रहा हूँ आप लोग जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइबर मत देखिएगा, मैं बार बार कहता हूँ मेरे पहले 1 लाख के ऑलमोस्ट सब्सक्राइबर थे पर वो स्ट्राइक की वजह से चैनल डिलीट हो गया, तो बार बार अब उसको याद करना और आप लोगों को बताना मुझे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, Cricket2580 लिखकर आप लोग यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। तो फिलहाल आपके आज के वीडियो में इतना ही, होप आपको वीडियो पसंद आया, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को आप लोग लाइक ऑलरेडी कर दिए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।